तो हम लोग तैयार हो गए, निकलने ही वाले हैं बस, और आपको भी दर्शन कराएंगे अपने साथ। इस एरिया का नाम महाकाल चौराहा है, जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं। और ये पूरा मार्केट अपना बहुत अच्छा मार्केट है, जैसे अपने बनारस का गोदुलिया मार्केट ऐसे फील आ रहा है मुझे एकदम। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं एकदम। भैया पूरा हम लोग को गाँव या पूरा मंदिर घुमा रहे हैं, 5-6 टेम्पल्स ले जाएंगे। मंगलनाथ सिद्धवट शांतिपन आश्रम गढ़काली का भरतरी गुफा, काल भैरव बाबा जो भोलेनाथ के सेनापति, पहले महाकाल के दर्शन करना, उसके बाद काल भैरव बाबा के करना। ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काटा था काल भैरव। भाई भोलेनाथ के दर्शन कर लो, नहीं चुके दर्शन से लिया, चप्पल जूते उतार दो, माला फूल प्रसाद। लोग अभी महाकालेश्वर गए थे, तो वहाँ पता चला हम लोगों की वहाँ पर्ची कटाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को सुबह आना पड़ेगा 6:30 बजे। तो आप ये गलती मत करिएगा, आप मतलब सुबह ही जाइएगा, जब भी आइएगा तभी पर्ची कटती है, बुकिंग होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे भारत माता मंदिर भी था और उसके राइट साइड महाकालेश्वर मंदिर था। तो हम लोग परसों विजिट करेंगे, कल सुबह जाएंगे उसका बुकिंग कराने, पर्ची कटाने। तो चलते हैं और बाकी दूसरे मंदिर हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं आपको। गोरखनाथ जी यहाँ से हरिद्वार के लिए जाते थे पैदल स्नान करने, रोज डेली। कितना दूर है, इतनी गुफा थी, पर गुफाएं बंद हो गई अब। अच्छा, बंद हो गई। चलो उतरो, इस जगह का नाम भरतरी गुफा है और हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है अंदर। और यहाँ पे पूरा नदी झील है, यहाँ से एंट्री है गुफा का। योगी जी का भी पोस्टर लगा है, जय योगी जी। हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। तो सबका गुफा है यहाँ पूरे, मतलब गुफा में मंदिर है, तो सारे गुफा में हम लोग जाके देखते हैं। गुफा नंबर 1 है ये, भगवान है यहाँ। ये और अंदर गुफा है, माँ महाकाली की मंदिर है, और ये माँ योगी नाथ जी का मंदिर है। जय प्रभु। अंदर जाते हैं, देखते हैं कितना गुफा है यहाँ पे। भाई आराम से सब शेयर कर देना।
अंदर और रास्ता है। आओ। महादेव जी का त्रिशूल है यहाँ पर। अंदर बहुत गर्मी भी है। हर हर महादेव। तो हम लोग जिसमें गए थे वो गुफा नंबर एक था, अब गुफा नंबर हम लोग दूसरे पे जा रहे हैं, गोपीचंद गुफा में। तो हर मंदिर यहाँ पे गुफे के अंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है ये। भाई और छोटा होते जा रहा है ये। झुक के दर्शन किया जा रहा है क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे। पार्वती पते हर हर महादेव। भाई आराम से लगा ना सर पे। मंदिर में आ गए हम लोग महादेव जी के। बहुत अच्छा मंदिर है। श्री नवनाथ मंदिर बोला जाता है इसको, यहाँ लिखा हुआ है श्री नवनाथ मंदिर। महायोगी जी हैं। महादेव श्री श्री स्वाति गंगानाथ जी। सब ऋषि मुनि का ये स्ट्रक्चर है। काल भैरव जी का गुफा अंदर। तो भैया इस मंदिर का नाम बताइए अच्छे से। तो भर्तरी बाबा की गुफा। ठीक भर्तरी गुफा। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताइए मंदिर के बारे में। भैया इसमें क्या है, जो भैया उन्होंने ना 12 साल तक तपस्या करी थी। किसने? बाबा भर्तरी ने। ठीक है, 12 साल तक गुफा में के अंदर तपस्या करी थी। वो जगह तपस्वी है और यहाँ की जगह जो भी अंदर जाता है हाँ? तो बिल्कुल घबरा जाता है अंदर जाने का। हाँ, हम लोग भी घबरा गए थे। तो और अभी तो आप बारिश में आए हो। हाँ, गर्मी में आते तो आप अंदर जाते ही नहीं। काफी लग जाते। हाँ, समझ गए। आपकी बहुत अच्छी जगह है। जो भी मस्त विजिट श्रद्धा अनुसार। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं जूम कर देता हूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे लगा दूंगा। भर्तहरी घाट नाम है इस जगह का, ये जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में।